दस रुपए हर एक माल 10 रुपए, जिसको चाहिए आओ ले जाओ। गुड मॉर्निंग, हो रहा है टाइम 8 बज रहा है और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन का मेरा क्लीनिंग और साफ़ सफाई लगभग हो चुका है और मैं बाथरूम के गेट पर बैठ कर के कपड़ा धो रही थी। थोड़ा बहुत था तो सोचा हाथ से ही धो लूँ, मशीन का यूज़ नहीं की। और ये देखिए किचन भी क्लीन हो गया है और इधर मेरे सासू माँ का भी प्लेस साफ़ सुथरा हो गया। और ये मेरा आगे का रूम है जो इस तरह से क्लीनिंग और साफ़ सफाई डस्टिंग सब चीज़ हो चुका है। और उसके बाद कपड़ा धोने के बाद पूजा वजा की, पूजा करने के बाद आ करके यहाँ पे कपड़ा सुखा रही हूँ। और आज धूप बिल्कुल अच्छा नहीं था, कड़ा धूप नहीं था, गर्मी तो था पर कड़ा धूप नहीं था, बादल 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 किए हुए था तो उसमें 2-4 कपड़ा पर आराम से सूख गया कपड़ा क्योंकि गर्मी था। नीला कलर का आप लोगों को साड़ी दिखा, उस साड़ी के पीछे आज पड़ी हुई है कि मेरा साड़ी कोई ले जाएगा। धो करके खुद से डाली, मैं कितना भी बोलती हूँ छोड़ दो पर नहीं धोना नहीं छोड़ना रहता है, फिर भी एक बार जब वो धो लेती है तो मैं एक बार धोती हूँ क्योंकि वो ठीक से नहीं धो पाती है। पूरे मैंने वहां पे बैठ करके पूरी तरह से सुखाई है, नहीं कोई ले जाएगा, तुम बैठो नहीं तो मैं बैठूंगी, मुझे तो टाइम नहीं है बैठ करके उनको साड़ी देखना, पर वो खुद बैठ करके सुखाई है और देखी है। मेरा काम हो चुका है, क्लीनिंग हो चुका है और पूजा वगैरह भी हो गया। और आज का मेरा क्या है ये देखिए, चना और आलू का सब्जी। और यहाँ है कल का सब्जी, बरबट्टी और आलू का सब्जी है जो मैं अभी नाश्ता में खाऊंगी। और चना का सब्जी जो बच्चे खाएंगे, बरबट्टी भी खाते हैं वो लोग। और यहाँ पे है हाट, मेरा सब्जी हो गया है खत्म शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग पहले से है उन लोगों को पता होगा कि यहाँ हाट लगता है और ठीक शुक्रवार के दिन ही मेरा लास्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा फ्रिज भी सफाई अंदर से कर दूंगी, ऐसे पूरी तरह से क्लीनिंग की थी, 2-4 दिन ही हुआ है, पूरी तरह से निकाल करके अच्छी तरह से सफाई की थी पर थोड़ा सा हाथ मार देना होगा फिर से सफाई हो जाएगा। तो चलती हूँ मैं खाना खाने और आप लोग आज देखिए क्या क्या होता है मेरे साथ में। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। 12:30 हो चुका है, खाना तो मेरा तैयार है, बैठी है बाहर अंदर में पर अभी खाना नहीं मांग रही है। यहाँ दूध आ चुका है, दूध भी बॉयल हो गया। और यहाँ पे देखिए अचार के लिए किस तरह से मेरा फैला हुआ है अचार लगाने से, तो मैं लगा रही हूँ अचार, तो ये जाएगा मेरे दूसरे वीडियो दूसरे चैनल पे जाएगा, RS डिलीशियस पे जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो कल जाएगा, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी अचार लगता है। अगर इस रेसिपी को देखना है, इस अचार का रेसिपी को देखना है तो आप मेरे RS डिलीशियस पे जाइएगा, वहां पे आप लोगों को श्योर मिलेगा। तो चलिए देखूं सबको सल्टाऊं सबसे पहले। ए सब्जी वाली 10 रुपए नीलवा ले लो, 10 रुपए हर एक माल 10 रुपए, जिसको चाहिए आओ ले जाओ, मैं दूंगी 10 रुपए, इतना बड़ा दिल है मेरा, सोचो 10 रुपए, 20 रुपए 30 रुपए ला करके 10 रुपए दे रही हूँ, सोचो कितना बड़ा दिल है मेरा। ये कचड़ा इकट्ठा हुआ है, फ्रिज में जगह इतना ज्यादा नहीं होगा इसलिए पूरे कचड़े को बाहर कर दूंगी। और ये नीलवा है, इसको अगर 2 दिन रख दू तो नरम पड़ जाता है, छीलने में बनता नहीं है, इसको छील करके इस तरह से काट करके रखूंगी, कभी भी काट लूंगी और बना लूंगी आराम से। और ये रहा स्वीट कॉर्न, इसका भी कचड़ा बाहर कर दी, भिंडी लौकी बहुत सारा चीज है, उधर तक दिखाओ आम का अचार बनने वाला है। Thank you.
और यहाँ हो गया है रात का 9:30। 9:30 में रोटी बना रही थी। सब्जी ज़्यादा मैं शुक्रवार के दिन पहले ही बना लेती हूँ ताकि मेरा शाम के टाइम इतना ज़्यादा थकान हो जाता है कि 3-4 बार जा करके हाट से सामान लाना, और आज तो ज़्यादा ही हो गया। मेरा ज़्यादा दिन आज व्यस्त रहा क्योंकि अचार के पीछे पड़ी रह गई। अचार का मतलब ये है कि उसको पूरी तरह से तैयारी करो, मसाला तैयार करो, वो सब में लगे रह गई। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। रात हो गया है और हो गया है रात 11:05 हो रहा है और हमारा खाना पीना हो चुका है। सफाई भी कर चुकी रात का। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रही। मैं और दोपहर में थोड़ा सा सोई थी, थोड़ा सा ही टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि अचार में आज लगे रह गई। तो अचार ऐसा है कि ध्यान देना पड़ता है और धूप पूरी तरह से चाहिए, इसलिए मैं उसे उसके लिए बाहर बैठकर गेट पे बैठ करके रखवा ली कि इसलिए ज़्यादा देर नहीं सो पाई हूँ। तो हो गया है रात और आप लोगों से लेने आ गई विदा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।